लिसनर्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव गार्डनिंग। और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं इन खूबसूरत गुलाब के ब्लूम्स के साथ। देखिए, मौसम सही होते ही सारे एक एक करके फूल खिलना शुरू हो चुके हैं। ये रोज़ेस अब बहुत अच्छे से ब्लूम हो रहे हैं और एक एक करके आप पर्सलिन को भी ब्लूम होते हुए देख सकते हैं। ये तो वैसे सारा साल ही ब्लूम होते हैं सिवाय विंटर्स के, लेकिन अब फिर से ये ब्लूम होना शुरू हो चुके हैं। इनकी भी कटिंग अब मैं लगाना शुरू कर दूंगी। अब प्रिपरेशन करनी है हमको समर गार्डनिंग की, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोलियस के ऊपर है। अक्सर कई लोगों की शिकायत रहती है कि कोलियस जो है ज़्यादा कलरफुल नहीं दिखाई देते, लेकिन अगर आप मेरे गार्डन में देखेंगे तो साल के 12 महीने आपको मेरे कोलियस इतने ही फ्रेश और इतने ही हेल्दी नज़र आएंगे। लेकिन पहले मुझे भी जो है इनको अच्छे से इनकी केयर करना नहीं आता था। धीरे धीरे करके भी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, है ना। तो कुछ मिस्टेक्स मैंने भी किए और जो मैंने सीखा वो यही है कि इनको जो है आपने, सबसे पहला पॉइंट यही है कि इनको ऐसी जगह आपने प्लेस करना है जहाँ अच्छी खासी इनको धूप मिलती हो। विंटर्स में आप इनको ऐसी जगह रख दें जहाँ सारा दिन की भी अगर धूप मिले ना तो भी इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, इनसे इनको फ़ायदा ही मिलेगा। इनके कलर्स बहुत अच्छे से होते रहेंगे। और दूसरा जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ये बहुत लगी से और बेजान से हो जाते हैं विंटर्स में, क्योंकि वो इनका डोमेंसी पीरियड होता है। तो उस वक्त आपको क्या करना है, इनकी अच्छे से पिंचिंग और प्रूनिंग करते रहनी है। इनको ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है ताकि बस ये हेल्दी रहे, छोटे ही रहे और हेल्दी रहे। इनकी कटिंग्स जो आप कट करते रहते हैं उनको आप जो है मल्टीप्लाई कर लें ताकि जैसे ही मौसम बदले ये अच्छे से ग्रोथ पर आ जाए। दूसरी बात पानी की होती है। पानी का बहुत बहुत ख्याल रखना पड़ता है कोलियस में। ज़्यादा पानी होने से रूट रॉट का ख़तरा रहता है, क्योंकि इनके जो स्टेम्स होते हैं वो सॉफ्ट वुड के होते हैं, ऑलरेडी इनमें पानी स्टोर्ड रहता है। तो पानी ज़्यादा होने से भी इनको नुकसान पहुंचता है और पानी कम होने से भी इनको प्रॉब्लम होती है। ये देखिए, सीड से भी ये ग्रो हो रहे हैं। और अगर आप मेरे प्लांटर्स देखेंगे तो ज़्यादा बड़े बिल्कुल भी मेरे प्लांटर्स नहीं हैं, बहुत छोटे छोटे से प्लास्टिक के वेस्ट कंटेनर्स में ही मैंने इनको लगाया है। और इनकी ग्रोथ देखिए आप कितनी अच्छी, और इनके पत्तियों का रंग और साइज़ देखिए आप कितना बड़ा बड़ा हो रहा है। तो सिंपल टिप्स के साथ भी कोलियस को हम बहुत अच्छे से अपने गार्डन में साल भर रख सकते हैं। फूलों की तो कमी महसूस ही नहीं होती। जब भी आप देखो ये कलरफुल लीव्स, ये इतने अच्छे दिखते हैं। तो पहला हुआ धूप का और दूसरा रहा पानी का। पानी कम होने से क्या होता है कि इनमें बहुत जल्दी ये मुरझाने लगते हैं, और बार बार अगर इस तरह से मुरझाते रहेंगे तो ये प्लांट कमज़ोर हो जाएंगे और फिर ये शॉक बर्दाश्त नहीं कर सकते और ये ख़राब हो जाते हैं। तो ना पानी ज़्यादा देना है ना पानी कम देना है, देख के देना है। फिंगर टिप से आप चेक कर जो है इसको दे सकते हैं। ये देखिए, छोटे से प्लास्टिक के मैंने वेस्ट बॉटल में लगाया है एंड स्टिल इट्स गोइंग सो हेल्दी। बस ज़्यादा लंबा नहीं होने देना है विंटर्स में, आपको बस इनको जो है प्रून करते रहना है और इनकी ग्रोथ को मेंटेन करना है। जैसे ही स्प्रिंग शुरू होगा ये अपनी ग्रोथ पर तेज़ी से आ जाएंगे। बस ये छोटे छोटे टिप्स अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आप भी अपने गार्डन में इनको सारा साल इसी तरीके से खूबसूरत पाएंगे। फर्टिलाइज़र हंग्री ये प्लांट है नहीं, तो मैं ज़्यादा इनको बिल्कुल भी फर्टिलाइज़ नहीं करती। मेरी गार्डनिंग, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इट्स ऑल अबाउट सिंपल गार्डनिंग, और जो किचन का वेस्ट होता है उसी से मैं गार्डन को अपने मेंटेन करती हूँ। तो इसको भी मैं सिर्फ जो घर में हम दाल चावल सब्ज़ी तरकारी जो धोते हैं, जो पानी निकलता है, बस वही पानी मैं अपने सारे प्लांट्स को रोज़ देती रहती हूँ, जिसका नतीजा आप देख सकते हैं। मेरे प्लांट्स काफ़ी हेल्दी और ख़ूबसूरत नज़र आ रहे हैं। सिंपल गार्डनिंग करती हूँ, जो टिप्स मैं अपने गार्डन में इनकॉर्पोरेट करती हूँ वही आपसे शेयर करती हूँ। पसंद आया लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इस तरीके के सिंपल गार्डनिंग टिप्स के साथ हम बनाएंगे अब अपना समर गार्डन, क्योंकि विंटर्स में तो हम कुछ कर सके नहीं। तो सिंपल इजी प्लांट्स के साथ कोशिश करूंगी अपने समर गार्डन को सजाने की, और जो करूंगी वो आपसे शेयर करूंगी। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गो क्रिएटिव इन योर गार्डन्स। बाय बाय।